अब खट्टर साहब भी हरियाणा के अंदर बयान दे रहे हैं कि हम इसकी गारंटी देते हैं कि हम इनको 4 साल के बाद जॉब देंगे। अरे भाई 4 साल के बाद तेरी कौन सी गारंटी है, अभी तू रहेगा कि नहीं रहेगा, तेरी सरकार रहेगी या दूसरी सरकार आएगी। तू तो अभी भी लंगड़ी सरकार चला रहा है, 2 पार्टियों को 3 पार्टियों आजाद मिलकर के, JJP मिलकर के, BJP मिलकर के सरकार चल रही है, कहाँ से तेरी सरकार आ जाएगी। तो इसलिए आज हमने ये सोच समझ करके प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है उपायुक्त महोदय जी के मार्फत। जी मैंने सबको फ़ोन किए और ये पहली बार है जब बुड्ढा साहब बने उसके बाद ये पहला प्रोग्राम है, उसमें हमने प्रोग्राम में सबको प्रेरित किया, उसमें से कुछ लोग आए भी, 50% आए भी हैं, कुछ हाजिरी लगा कर चले गए हैं और जो रह गए हैं हम उनकी कोशिश करेंगे, उनको भी लाएंगे, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। शैलजा हमारी नेता है, हम उनके भी नारे लगाते हैं, कोई वो हम उनसे अलग नहीं है और वो हमारे से अलग नहीं है। हम सबको एक होकर के चलना पड़ेगा, हरियाणा की जनता हमारी तरफ देख रही है, इसलिए मैंने ये बात की। चलो।